वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अनीता सिंह। कैंडल तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, पर मैंने सोचा कि इस बार कैंडल्स को नए तरीके से प्रेजेंट करें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि डेकोपाज होता क्या है। डेकोपाज एक फ्रेंच वर्ड है। इसका अर्थ है टू कट, यानी किसी फ्लावर्स, पिक्चर्स, इमेजेस को कट करके चिपकाने को डेकोपाज आर्ट कहते हैं। तो चलिए आज हम कैंडल पर डेकोपाज करते हैं। इसके लिए हमें कौन से मटेरियल्स चाहिए? कैंडल्स, मोरपोज या फेविकोल, ब्रशेस, टिश्यू पेपर्स या कोई भी अपनी मनपसंद की कटिंग। यहाँ मैंने एक कैंडल ली है जो मैंने पहले वीडियो में बनाना बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। टिश्यू पेपर से फ्लावर कट करेंगे जो मैंने पहले से ही कट करके रखे हुए हैं। मोरपोज को या फेविकोल को कैंडल पर लगाकर फ्लावर चिपकाएंगे। एक कैंडल जलाकर उस पर किसी बटर नाइफ को गर्म करेंगे, फिर फ्लावर पर हल्का प्रेस करेंगे और उसको धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ध्यान रहे ये ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। डेकोपाज को कैंडल पर स्टिक करने के बाद बटर नाइफ को हल्का सा गर्म करके इमेज के ऊपर धीरे धीरे प्रेस करते जाएंगे। ऐसा करने से इमेज कैंडल के ऊपर स्टिक हो जाएगा और वो लैमिनेशन जैसा दिखाई देगा। यहाँ मैं एक टिप्स आप सभी को देना चाहूंगी कि नाइफ ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ही गर्म लेना चाहिए, नहीं तो पेपर जल सकता है। यहाँ पर मैं व्हाइट बेस कैंडल लिया है। इस पर मैं दूसरे मेथड से इमेज को चिपकाऊंगी जो बहुत ही इजी है। यहाँ पर मैं कटिंग को स्टिक करने के लिए नाइफ यूज नहीं किया। यहाँ पर मैं प्लास्टिक की शीट की हेल्प से इमेज को स्टिक करूंगी जो बहुत ही इजी है। आप लोगों ने देखा कि कैसे अलग अलग रूप से हम कैंडल्स को नया लुक दे सकते हैं, और इसी तरह आप लोग भी कैंडल्स को डेकोरेट करिए और अपने घर को सजाइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।